काबुल में ताबड़तोड़ रॉकेट हमले, अंधेरे में डूबा शहर का बड़ा इलाका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर गुरुवार को कई रॉकेट दागे गए। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के खैरखाना इलाके में रॉकेट से हमला हुआ है। करनाल में हादसा, ट्रॉली से गिरे दो किसान, एक की मौत। सिंगू बॉर्डर से पंजाब लौटते समय हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा ओवरब्रिज के पास ट्रॉली उछलने से दो किसान नीचे गिर पड़े और पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने एक किसान को कुचल दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा। डिजिटल काउंट के जरिए हर सेकंड का अपडेट कोविन ऐप पर मिलेगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोविन ऐप पर बकायदा काउंटर भी चलाया जाएगा। यह डिजिटल काउंटर हर पल अपडेट होगा। इस डिजिटल काउंटर के जरिए आप जान सकेंगे कि देश में हर सेकंड कितनी वैक्सीन लगाई जा रही है। दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है और देर शाम तक 2 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश होगी। अब तक 2 बार ऐसा हुआ है जब भारत में एक दिन में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास डोज लगाई गई है। 2 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य को छूना दुनिया के लिए चौंकाने वाला लक्ष्य होगा। महेंद्र सिंह धोनी को मोदी सरकार ने दी खास जिम्मेदारी। राष्ट्रीय कैडेट कोर को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल किया गया। इसके अलावा इस कमेटी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का भी नाम शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने NCC को पहले से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया है। गुजरात तट से इंडिया कोस्ट गार्ड ने पकड़ी पाकिस्तान नाव, 12 संदिग्ध गिरफ्तार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुसी पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है जिस पर 12 लोग सवार थे। बोट पर सवार सभी 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे छात्र, हर कोर्स की होगी मैपिंग, जरूरत के मुताबिक ही होगा कोर्स में दाखिला। देश की नई पीढ़ी को बेकारी से बचाने की सरकार की पहल रंग लाई तो आने वाले दिनों में पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई भी छात्र बेकार नहीं बैठेगा, सभी को काम मिलेगा। इसके लिए शिक्षा के पूरे ढांचे को एक नए स्वरूप में गढ़ा जा रहा है। इसमें भावी उपयोगिता के आधार पर ही प्रत्येक कोर्स को अब प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही जरूरत के हिसाब से उतनी ही संख्या में उन कोर्सों में दाखिला दिया जाएगा। यानी शैक्षणिक स्थानों में अब किसी कोर्स के उतने ही छात्र निकलेंगे जितने की जरूरत होगी।